Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Munir Ul Haq, you are a mathematics teacher. Dear boys, आज हमने 2.8 exercise और review exercise हमने revise करनी है जी, बल्कि उसका syllabus cover करना है. तो इसमें आखिरी दो question रह गए थे हमारे. Words problem है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके हम statement को गौर से पढ़ेंगे और उसके मुताबिक equations बनाएंगे जी, और फिर हम उसको solve करेंगे जी. तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसका जो हमारा शामिल है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर. फाइंड क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्टेटमेंट गौर करें. फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72. करना यूँ है कि हमने दो नंबर जो हमने फाइंड करने हैं, दो इंटीजर्स, उनको हम सपोज कर लेते हैं. लेट एक्स एंड वाई आर द टू इंटीजर्स. अगर एक्स एंड वाई दो इंटीजर्स हैं, उसने कहा है कि ऊपर एक कंडीशन देखें जरा. फाइंड टू इंटीजर हुज डिफरेंस इज 4, यानी दोनों का डिफरेंस 4 हो, लिहाजा एक्स और वाई दो हमने इंटीजर लेट कर रखे हैं, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और उनका स्क्वायर का डिफरेंस 72 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72. यूँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. 2.7 में हमने इसके मैथड सीख चुके हैं, तो उसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे. करेंगे क्या, आगे हम इक्वेशन 1 से एक्स या वाई के वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे जी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैंने यूँ किया कि फ्राम इक्वेशन 1 क्या क्या मैंने यहाँ पर वाई के वैल्यू निकालने की कोशिश की है, तो ये 4 को इधर शिफ्ट किया और माइनस वाई को इधर शिफ्ट किया, तो एक्स माइनस 4 इक्वल वाई, यानी इसका यूँ मतलब ये होगा कि वाई की वैल्यू क्या बन गई, एक्स माइनस 4. इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, क्योंकि ये आगे वाई की वैल्यू निकालने में काम आएगी. करना यूँ है कि आप वाई के वैल्यू एक्स माइनस 4 को क्वेश्चन 2 में पुट कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर, तो आप इज इक्वल टू 72. अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8 x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 72. अब ये बाहर माइनस है, ज़ाहिर इनको इस बराबर जब खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 x माइनस 16 इज इक्वल टू 72, एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया, तो 8x माइनस 16 इधर शिफ्ट करें, तो ये 72 प्लस 16. तो अब आप गौर से देख सकते हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 8x इज इक्वल टू 88 आ जाएगा. 8 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे बॉयज, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 11. एक्स 11 आ गया. अब वाई निकालने के लिए मैंने पिछली यहाँ इक्वेशन 3 छोड़ दी, जिसमें मैंने लिखा था वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो हमने वाई भी निकालने, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे. वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स का 11 माइनस 4 7. तो यूँ मेरे पास एक्स की वैल्यू 11 आ गई, वाई की 7 आ गई. मैंने दोनों इंटीजर सपोज कर रखे थे एक्स और वाई, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 11 एंड 4 हमारे रिक्वायर्ड टू इंटीजर हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरिमीटर 80 cm एंड इट्स एरिया इज 375 cm². हमें रेक्टेंगल का पैरीमीटर और एरिया दिया गया जी, और कह रहे हैं उसकी डायमेंशन फाइंड कर. डायमेंशन मीन लेंथ और विड्थ, दो ही होती हैं रेक्टेंगल में डायमेंशन, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है. तो क्या करना है, चूँकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है तो उसको हमने लेट करना होता है. तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने एक्स सेंटीमीटर सपोज कर ली, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वाई सेंटीमीटर सपोज कर ली. डे स्टूडेंट्स, कंडीशन के मुताबिक क्या कह रहे हैं, पैरीमीटर उसका क्या है जी, 80 cm ये गिवन है हमें, और इसका एरिया कितना है, 375 cm² है जी. तो यू नो कि पैरीमीटर क्या फार्मूला होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरीमीटर होता है. ये मतलब 2 × लेंथ मैंने एक्स सपोज कर रखी है प्लस वाई की जगह विड्थ, और इज इक्वल टू पैरीमीटर 80 cm. अगर मैं 2 से दोनों डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 240 था 80, एक्स प्लस वाई इक्वल 40 आ जाएगा जी. ये क्वेश्चन 1 कह दीजिए. इसी तरह उसने हमें एक और कंडीशन बताया, उसका एरिया भी बता रखा है. तो आल्सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से आते हैं. लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 375. ये सेकंड क्वेश्चन आ गई. अब हमने इन दोनों क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है. मैं यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ से वाई के वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में पुटअप कर दूंगा जी. आप देखें इधर क्या था, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 था, वाई निकालना चाहूँ तो एक्स उधर लेके आया 40 माइनस एक्स, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, क्योंकि ये हमें वाई निकालने में मदद देगी बाद में. क्या क्या इस वैल्यू को वाई इक्वल टू 40 माइनस एक्स को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, और इक्वेशन 2 क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 375. एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 375.
ये एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करें 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज, और ये 375 को इधर शिफ्ट किया माइनस 375, ये अरेंज किया माइनस एक्स स्क्वायर पहले प्लस 40x माइनस 375 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस वन कामन ले लिया, जहर है जब माइनस वन कामन लूंगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जब माइनस हो गए प्लस हो जाएंगे, प्लस हो माइनस हो जाएंगे। फिर मैंने यूँ किया कि माइनस वन को ख़त्म करने के लिए मैंने माइनस वन से इधर भी डिवाइड कर दिया, माइनस वन से इधर भी डिवाइड कर दिया, तो यूँ ये माइनस वन यहाँ ख़त्म और जीरो को जिससे भी डिवाइड करें जीरो आता है। तो मेरे भाई एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375, वही तरीका मिड वैल्यू ब्रेक करने वाला। तो हमने क्या किया, इसके 40x के फैक्टर बना लिए कि दो ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करें 375 है, प्लस करें तो 40x है क्योंकि यहाँ 1x स्क्वायर है, लिहाजा वो बन गया आपके 15 और 25 को अगर हम ऐड करें तो माइनस का 40 है, लिहाजा मैंने माइनस 15x और माइनस 25x आया। तो ये आप तरीका सारा जानते हैं, इसके फैक्टर निकाल कर कॉमन लेकर क्या आगे दो फैक्टर x माइनस 15 और x माइनस 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फैक्टर अलग अलग जीरो दूँ तो x की वैल्यू 15 आ गई और x की वैल्यू 25। ये तो अभी x की वैल्यू आई है, y निकालने के लिए वो इक्वेशन 3 ऊपर बनी खड़ी है। ये x की वैल्यू बारी बारी इस इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि दो वैल्यू x की, एक 15 है एक 25। तो जब x 15 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस 15 25, और जब x 25 होगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 40 माइनस 25 15। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन दो तरह आ सकती हैं, अगर हम जिन्हें x मैंने पीछे लेंथ लट के होता और y हमने विड्थ के लिए, इसका मतलब डायमेंशन क्या होगी, या तो ये हो सकती हैं कि 15 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, या आप देखते हैं यहाँ वैल्यू चेंज हो गई है, वाई की वैल्यू 15 और एक्स की 25, या यूँ हो सकती है 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ये इसकी आपकी रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई। अब आज हम आते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 पर, इसका क्वेश्चन 2 के पहले 4 पार्ट्स आपके स्मार्ट सेल में इन्वॉल्व हैं, तो उसको आते हैं क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, उसके आगे मजीद 4 पार्ट हैं। क्या करना है, हमने डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, यहाँ पहले भी पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के अंदर नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में मैंने तफसील आपको समझा चुका हूँ। अब उनके चूँकि रिवीजन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े अहम होते हैं, तो इसका देखें पहला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करना है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट आंसर देखते हुए जो आपका आंसर आएगा उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। वो 4 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर 2 का, शुरू पहले पेज में 4 पॉइंट मैंने कहा था, उनका अच्छा देख लें, याद कर लें, उन्हीं के देखते हुए हम यहाँ पर नेचर बताएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ ए की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ 1x स्क्वायर है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3 उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 × 5, तो ये बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 के आगे माइनस 11, और अगर ये लेस दैन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब है कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो वही लिखे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। डेयर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट बी पार्ट है उसमें देखें 2x² - 7x + 3 = 0, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो इसके अंदर भी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए 2, बी की वैल्यू -7 और c की 3, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 25 आ गया और 25 का एक परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, इसका हम क्या कहेंगे, विच इज़ अ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनईक्वल। ठीक हो गया, जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये इसका रूट्स की नेचर होती है। इसका सी पार्ट गया x² + 6x - 1 = 0, तो उस तरह ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या आएगा, ये 36 का स्क्वायर 36 और -4ac, तो ये +4 करके 40 आंसर आ जाएगा, और ये 40 क्या है, 0 से बड़ा में लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स क्या नेचर क्या होगी, एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनईक्वल। डे स्टूडेंट्स, इसका जो चौथा पार्ट डी पार्ट है मैंने आपके लिए छोड़े, वो आपने खुद ट्राई करना है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है और 0 हो तो उसके रूट्स के आगे रैशनल और इक्वल आएंगे जी। तो अब आते हैं हम इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 का, इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है बॉयज, ये है ओमेगा, ओमेगा क्या है, इसकी वैल्यू से हमें गिवन है -1 + -√3/2, ये वैसे भी पिछले लेक्चर में बताया था ये ओमेगा की वैल्यू होती यही है।
और हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, मैंने क्या किया दोनों स्क्वायर ले लिया, ऊपर स्क्वायर बिल्कुल ऐसे खोलने जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की तरह। तो ये देखें ओमेगा स्क्वायर, ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ओवर टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, ये स्क्वायर इसको कैंसिल, माइनस थ्री माइनस टू इंटू ये देखें प्लस वन माइनस टू वन टू इंटू माइनस थ्री अंडर रूट के अंदर ओवर फोर। तो ये बॉयज वन माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा, ये टू इसके साथ माइनस नहीं हो सकता, उसकी वजह है कि टू इधर मल्टीपल हो रहा है स्क्वायर रूट से ओवर फोर। मैंने क्या किया यहाँ से टू कामन ले लिया, बाकी टू वन टू माइनस वन आ गया, फिर टू वन टू ये ख़त्म, माइनस वन अंडर थ्री आ गया ओवर फोर, ये टू 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 और फोर कैंसिल किया टू टू द फोर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया माइनस वन माइनस माइनस का थ्री अंडर रूट ओवर टू आ गया, ठीक हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट में आनी, ये दोनों बड़े अहम हैं और बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अहम हैं और ये रिजल्ट भी हैं आपके। क्या प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो, तो क्या करना है हमने इसको प्रूव करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज़ीरो होता है तो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं याद रखिएगा वन, अगला होता है माइनस वन प्लस माइनस का थ्री ओवर टू, और तीसरा जो क्यूब रूट होता है माइनस वन माइनस माइनस अनु थ्री ओवर टू, ये यूनिटी मतलब वन के क्यूब रूट्स हैं और ये बुक के अंदर सॉल्व प्रूव किए गए हैं, इनके ये रूट्स हैं आपने याद रखने तीन रूट्स, चूंकि हमने इनका सम लेना जीरो, मैंने इसको क्या करना है इसको ओमेगा सपोज कर लेते, बल्कि ये ओमेगा की ही वैल्यू बनती है, इफ़ ये ओमेगा है तो भाई ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, आगे हमने यहाँ ओमेगा स्क्वायर निकाल के मैंने दिखाया भी है। इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स क्या होना चाहिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हमने इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि ये तीनों क्यूब रूट यूनिटी हैं और इनका सम हमने ज़ीरो लेके आना है। तो आप देखें वन की जगह वन वैसे, ठीक है, इन दोनों को ऐड के इनका टू ये ओमेगा जगह ओमेगा वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई। तो क्या करना है हमने टू एलसीएम ले लेना है, ये वन की जगह मैं वन डाल दो, वन टू द टू टू वन द टू, ये भी टू है ये भी टू है एलसीएम में टू है, जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे, तो ये जब प्लस माइनस माइनस ये वैसा जो प्लस माइनस माइनस ये इनमें कोई साइन नहीं बदलेगा, तो अब आप देख सकते हैं कि माइनस का स्क्वायर थ्री जो है ना वो प्लस का इधर और इधर माइनस का, ये कैंसल, माइनस वन माइनस वन माइनस टू और प्लस टू ये भी सारे कैंसल, तो यूँ ऊपर जीरो आ गया, जीरो ओवर टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉय जब ऊपर सारे कैंसिल हो जाए तो फिर जीरो बचता होता है। तो आपने देखा कि मैंने इन तीनों के सामने वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट जीरो निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह इसका चौथा पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक उन्हें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं ये वन ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब उसे कम्प्लेक्स वर्ड यूज़ किया इसका मतलब सिर्फ वन को छोड़ देंगे, सिर्फ ये दो इसके कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स कौन से होते हैं जिनके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए। तो मैंने वही लिखा कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ये दो है नहीं, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर थ्री ओवर टू, दूसरा माइनस वन माइनस माइनस स्क्वायर थ्री ओवर टू, क्या फ़र्क है दोनों में, यहाँ से दरमियान प्लस आता है यहाँ माइनस आता है, ठीक हो गया। इनका प्रोडक्ट लेने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी पहली वैल्यू दोनों में है माइनस वन, ठीक है, और फिर दूसरी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट का ना माइनस है, माइनस थ्री स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर, या माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म मान रही है, तो लिहाजा क्या करेंगे ए का स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर वो है माइनस थ्री का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर ओवर टू टू द फोर। तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस वन का स्क्वायर वन वन आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो माइनस थ्री अंदर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस थ्री वन प्लस थ्री फोर ओवर फोर फोर से फोर कैंसिल हो गया वन आंसर। इसका मतलब ये हो गया हमें पता है कि ये ओमेगा होता है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, इट मीन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया वन के बराबर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करें तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल वन, और ये ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल वन हम रिजल्ट पिछली एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करते रहे। अब वॉज इसके आते हैं एम्स क्यूज़ के अंदर, तो एम्स क्यूज़ के अंदर मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपको थोड़ा सा उसके हिंट देता जाऊँगा, आपने इसको गौर से समझना है कि आपके एम्स क्यूज़ का आंसर क्या बनता है। तो तवज्जो करें पेज नंबर खोल लें सारे, पेज नंबर 45 इसका जो पहला एम्स क्यूज़ मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आंसर मैंने यहाँ लिख रखे हैं और मैं आपको बताता जाऊँ कैसे आए जी। पहले स्टेटमेंट देखें इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा, अगर आप गौर करें बुक खोल रखी है आपने अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर थे बॉयज, यानी सम ऑफ रूट्स किसका माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बी की वैल्यू 5, माइनस बी का है ना 5 को माइनस कर लेंगे तो ओवर ए की वैल्यू 3 है तो माइनस 5 और 3 आ गया,
ये इसका सी ऑप्शन आंसर बनता है। दूसरा क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, क्या है सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और उसे प्रोडक्ट पूछे जी इसका अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए, सी क्या है फोर, ए की वैल्यू क्या है सेवन, फोर बाई सेवन ये आ गया ठीक है। थर्ड क्या है जी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये अगर आप इसके बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्या है जी ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो देखें स्टूडेंट्स अगर हम इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट लूँ तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी क्या है माइनस फाइव, माइनस फाइव का स्क्वायर लें तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव, फिर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू फोर है और सी की टू है फोर टू एट और क्या आ गया, तो देखें ट्वेंटी फाइव फोर फार्मूले का ए सी फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन तो थर्टी टू आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा जी इसका आंसर, तब जो करें माइनस का आंसर आएगा ना ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी टू माइनस सेवन आ जाएगा, और ये भी हम पहले सीख चुके हैं अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस का जब वो रूट्स करें इमेजिनरी तो इसका क्या आएगा इमेजिनरी ठीक है। अब आ जाए इसका चौथा एमसीक्यू, क्यूब रूट्स ऑफ माइनस वन, वन के क्यूब रूट्स होते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ज़ेरा माइनस वन के क्या होंगे माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। और इसका जो पांचवा है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अभी हमने प्रूफ किया है वो क्या होता है जीरो होता है, इसके ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। छठा क्या प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, वो भी अभी हमने फाइंड के देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स क्या होता है वन होता है, हालांकि यहाँ कम्प्लेक्स है इसमें जब वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ेरा यही आएगा वो भी वन आता है जी। फिर साथ में कह रहे हैं इफ बी स्क्वायर माइनस फोर से लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव का क्या होगा रूट्स इमेजिनरी, तो इसका आंसर भी आ जाएगा आठवें का, ये देखिए मैंने लिखा है इमेजिनरी। नौवां एम्स की गौर करें, वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा इज इक्वल टू, तब जो करें वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, तो बेटा इनका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, तो ये अल्फा से अल्फा काट के ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, एल्सम लेते हैं ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और आप ये देखिए इसका नाम कहाँ से ये बनता है डी ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा जी। मेरे डियर स्टूडेंट्स दसवें में जरा बड़ा अहम है, ये आपको पहले समझा चुका हूँ इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या समझाया था पिछले लेक्चर याद होगा आपको, किसके बराबर होते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा के बराबर था, क्योंकि हम स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए टू अल्फा बीटा ऐड भी किया था सेपरेट भी किया था, तो आपको याद होगा ये। अच्छा ग्यारहवें एमसीक्यू क्या है, टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी क्या है उसने टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन के स्क्वायर रूट लें तो प्लस का वन माइनस का वन आएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगी। और इसका ट्वेल्थ एमसीक्यू क्या है बॉयज, रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेने की कोशिश करें क्या यानी फोर एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका जरा लें इसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो बी का स्क्वायर क्या आएगा सिक्सटीन, फिर माइनस फोर ए सी, तो क्यों हो गया बॉय सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन तो जीरो आ जाएगा, अगर जीरो आ गया इसका मतलब तो रूट्स भी रियल होंगे और इक्वल होंगे जी। और 13 का अगर देखें अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ ये क्वेश्चन दे रखे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ द रूट्स टू अल्फा एंड टू बीटा, क्या यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, और हमें क्या कह रहा है कि आपने अल्फा बीटा इसके रूट्स हों तो आपने टू अल्फा बीटा और टू बीटा का सम, पहले तो मैं लेता हूँ इनका इसका सम, सम क्या होगा माइनस बी ओवर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर मतलब क्या होगा माइनस क्यू ओवर पी, जबकि हमें उसे क्या रूट दे रखे हैं टू अल्फा प्लस टू बीटा, इनका सम टू कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी है, तो माइनस टू अगर माइनस टू क्यू ओवर पी आ गया ठीक है। और लास्ट एमसीक्यूज बल्कि सेकेंड लास्ट अभी चल रहा अभी है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक और इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू अल्फा बीटा टू अल्फा एंड टू बीटा, अच्छा इसके जब आप प्रोडक्ट लेंगे प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए, या सी की जगह माइनस वन है और एक जगह वन है तो माइनस वन आएगा ठीक है, और टू अल्फा बीटा और टू अल्फा टू बीटा को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा फोर अल्फा बीटा माइनस वन आएगा, अल्फा बीटा को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ऑप्शन माइनस फोर आ जाएगी।
और नेक्स्ट 15 एम्स की द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो इज डिटरमाइंड बाई, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर किससे हम फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगी। और लास्ट एम्स की डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताना वो आप यूज करते आ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यू बॉयज आज आपका ये सिलेबस भी खत्म हुआ पाँचवें राउंड का, और बाकी इसका 13 चैप्टर अगर आपने लेक्चर में सुनेंगे इंशाल्लाह, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया और आप एम्स को मैंने करवा दिया, आपको इनको अच्छी तरह ट्राई करना, देखना, और कोई अगर आपको मुश्किल पेश हो तो मुझसे आप रब्ता कर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।